केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल के प्रयासों से ये सब संभव हो पाया है। मूंग 7,196 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। मई का महीना मूंग की फसल लगाने वाले किसानों के लिए जबरदस्त खुशियां लेकर आया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार ने मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की मंजूरी दे दी है। मंत्री पटेल ने बताया कि हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करके मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का प्रस्ताव भेजा था और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनकी चर्चा भी हुई थी, जिसके बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। पटेल ने बताया हरदा होशंगाबाद में 3,33,000 हेक्टेयर पर मूंग की फसल किसानों ने लगाई है। इसके लिए मैंने तवा डैम से खुद जाकर डैम के गेट खुलवाए थे और नदी नालों के साथ नहरों से भरपूर पानी किसानों को दिया, जिसके परिणाम है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने में सफल हुए हैं और हरदा और होशंगाबाद में 3,500 करोड़ रुपए की मूंग का रिकॉर्ड उत्पादन होगा। होशंगाबाद और हरदा जिले में तवा डैम का पानी छुड़वा कर और बाकी ट्यूबवेल से नदी नालों से 3,33,000 हेक्टेयर में बोनी की गई थी, जो अब लगभग पक्के तैयार है। 10-15 दिन के अंदर पूरी फसल निकल आएगी और इसलिए समर्थन मूल्य इसका भारत सरकार ने 7,196 रुपये घोषित किया है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए। और केंद्रीय कृषि मंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई है, आज भी मेरी चर्चा हुई है। केंद्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल से मेरी चर्चा हुई है और माननीय कृषि मंत्री जी ने सहमति दी है। सोमवार को इसकी अनुमति मिल जाएगी खरीदने की और हम फिर पंजीयन शुरू कर देंगे और किसानों का मूंग भी नेफेड के माध्यम से भारत सरकार के लिए खरीदी करेंगे, ताकि किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य मिल सके और समर्थन मूल्य पर से नीचे मूंग की फसल ना बिके, इसकी हम चिंता करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।